हेलो एवरीवन वेलकम टू आई क्यूट ऐप सो आज हम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर नाइन जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को करेंगे फॉर लास्ट वीडियो में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कंप्लीट कर लिया था चैप्टर छोटा था इसलिए एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गया और लास्ट में हमने कुछ एम सी क्यूज के क्वेश्चन और मेन्स के कुछ क्वेश्चन थे जिसे आप सब ने काफ़ी अच्छे से अटैप्ट किया है तो आज हम उसके सल्यूशनस को कवर करेंगे सो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट टू द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वॉर्मेंट ठीक है तो यहाँ पे ओवरऑल जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें आपको कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं वहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको प्रोटेक्ट करना और इम्प्रूवमेंट करना इन्वायरमेंट का ठीक है तो आर्टिकल फोर्टी एट ए की बात करें तो ये आपका डी पी एस पी के अंदर आता है जो कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है सिमिलरली फ़िफ्टी वन ए जो कि आपका फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर आता है वहाँ पर भी सिटीज़न्स को ड्यूटी दी गई है कि आपको अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना जो भी वाइल्ड लाइफ्स वगैरह हैं ठीक है तो यानी कि इसका आंसर अगर दोनों में आता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बोथ आर्टिकल फोर ए एन आर्टिकल फाइव फिफ्टी वन ए ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा सी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड टी एन नॉट इंक्लूडेड ए फंडामेंटल ड्यूटी इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो कौन सा इंक्लूडेड है वो बताना है पहला टू चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल तो इंक्लूडेड है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पल ह्यूमानिजम एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म यह भी है टू प्रोटेक्ट माइनॉटीज तो ये नहीं दे रखा एंड टू सेव गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी ये भी दे रखा है so, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट फंडामेंटल ड्यूटी से जो कुछ स्टेटमेंट्स दिए उसको आपको कंसिडर करना है तो सबसे पहले हम देखते हैं हैव ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ है क्या तब से फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट था तो नहीं सेकेंड है कि हैव बीन एडिड थ्रू अमेंडमेंट येस अमेंडमेंट के थ्रू इसको एड किया गया है तो बेसिकली फोटी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट जो कि नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में आया था तब हमने फंडामेंटल ड्यूटी को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एड किया हुआ है ठीक है नेक्स्ट है आर मैंडेट्री ऑन ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया क्या हर एक सिटीजन के लिए मंडेट्री है मैंडेट्री मतलब है कि करना ही करना है जबकि हमने देखा है कि ऐसा कुछ लीगल इसमें वो नहीं है बेसिकली लीगल इन्फोर्समेंट नहीं है कि अगर मान लो कोई पर्सन नहीं करता इस फंडामेंटल ड्यूटी को तो उसको कोई पनिशमेंट हो सकती है ठीक है बट अगर पार्लियामेंट कुछ ऐसा लॉ ला के आ जाए जो उस पर्टिकुलर फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो करने के लिए हर सिटीजनस को बोलती है और फिर कोई बेसिकली उसको बेसिकली फॉलो नहीं करता फिर उसको वॉलेट करता उस पर्टिकुलर लॉ को तब उस पर्टिकुलर लॉ की इन्फोर्समेंट के लिए बेसिकली जुडिश्री जो आपको पनिश कर सकती है तो अगर सिर्फ उससे फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें तो दे आर मैंडेटरी इन ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया नो तो इसका आंसर हो जाएगा सी सी में क्या बोला है ओनली टू यानी कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था अमेंडमेंट के द्वारा तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग हैज नॉट बीन एन्युमेरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बींग अमंग्स द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन ठीक है तो कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट नहीं है तो वो आपको बेसिकली बताना है पहला है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ अम्पोज कल्चर यस ये पार्ट है सेकंड टू सेव कर पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अब्जर्व वॉलेंस येस सी टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमैनिज्म स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म यस है डी टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन वेलफेयर ऑफ पीपल तो ये आपका नहीं देखने को मिलेगा तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ जो बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव बीन एडिड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स इन अकॉर्डेंस विद रिकमेंडेशन ऑफ वॉट तो किसकी रिकमेंडेशन से तो आपको पता ही है इसमें तो स्वंत सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से ऐड किया गया है तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा सी नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो बार बार आपसे वही सेम क्वेश्चन आ रहे हैं कि कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है कौन नहीं है तो यहाँ पर क्वेश्चन कौन पार्ट है टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन यस टू सेव गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अब्जर्व वर्ल्स यस टू अपोल्ड एंड प्रोटेक्ट द दॉरेंटी यूनिट इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया यस टू अपोल्ड एंड प्रोटेक्ट सिक्यूरिज तो ये पार्ट नहीं है तो कौन कौन से पार्ट है वन टू एंड थ्री तो आपका आंसर हो जाएगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आर इंटेंडेड टू सर्व एज रिमाइंडर टू तो किसका वो रिमाइंडर के तौर पर सर्व करता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द स्टेट टू परफॉर्म ड्यूटी कंफर्म बाई द कॉन्स्टिट्यूशन यानी फंडामेंटल ड्यूटी रिमाइंड करता है स्टेट को कि उन्हें वो सारी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है तो ऐसा स्टेट के लिए तो कुछ नहीं है द तो जुडिश्री तो या फिर ये रिमाइंड करता है जुडिश्रिय को टू एडमिनिस्ट्रेट जस्टिस प्रॉपरली तो ये भी नहीं है ये रिमाइंड करता है हर एक सिटीजन को कि टू ऑब्जर्व करना है बेसिक नॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक कंडक्ट yes, ये सिटीजनस के लिए ड्यूटी है फोर्थ भी चेक कर लेते हैं द लेजिस्लेचर टू मेक लॉस फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल क्या रिमाइंड करता है, है लेजिस्लेचर को यानी जितने भी एम पीज एम उनको कि आपको लॉस बनाना है वेलफेर ऑफ पीपल तो नहीं वो आपका डी के अंदर आता है फंडामेंटल राइट right के अंदर नहीं तो फंडामेंटल राइट right, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच ऑफ द फ्लोइंग फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन सिटीजन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल फिफ्टी वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला टू बिलीव इन सोशलिज्म सेकुलरिज्म डेमोक्रेसी तो ऐसा कोई फंडामेंटल ड्यूटी तो बोली नहीं है तो ये गलत हो जाएगी सेकेंड है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंथम यस ये है टू प्रोटेक्ट सोवेंटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया येस टू प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कंपोजिट कल्चर येस टू हेल्प पुअर एंड वेलफेयर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तो ये बेसिकली पार्ट नहीं है ठीक है तो यानी कि आपसे पूछा है कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है तो आपका आंसर हो जाएगा टू थ्री एंड फोर तो आप बी हो जाएगा ठीक है तो एट का क्या हो जाएगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ जो कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज़ कंटीट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर करेक्ट पहला है फंडामेंटल ड्यूटी कैन बी एन्फोर्स थ्रू रिट जिडिक्शन तो जैसा कि हमें पता है कि फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन अगर हो जाए तो जुडिशी इससे कुछ पनिशमेंट नहीं कर सकता तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा गलत ठीक है नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंस अडोप्शन यानी जब से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को तो जब से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है यानी ठीक है कमसमेंट हुआ था क्या तब से फंडामेंटल ड्यूटी हमारा पार्ट था तो ऐसा नहीं हमने अमेंडमेंट के दौरान इसको नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में ऐड किया है कॉन्स्टिट्यूशन में तो सेकंड भी गलत हो जाएगा तो अगर आप ऑप्शन देखें तो आप खुद सोच सकते हैं कि फर्स्ट गलत सेकंड गलत एंड आपका थर्ड गलत तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली डी बट हम चेक कर लेते हैं फिर भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ बिकेम ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग्स विद रिकमेंडेशन सेंसिंग कमेटी यस फंडामेंटल ड्यूटी आर एप्लीकेबल ओनली टू सिटीजनस ऑफ इंडिया यस यानी कि सिर्फ फॉरनर्स के लिए नहीं है सिर्फ हमारे जो देश के नागरिक है उनके लिए ही एप्लीकेबल है नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के विच ऑफ द फ्लोइंग फंडामेंटल ड्यूटी टू एवरी इंडियन टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया को बेसिकली मिली हुई है तो कौन सी ड्यूटी है पहला टू बी ट्रूथफुल टू वंस ड्यूटी कि आपको एक दूसरे एक दूसरे की ड्यूटी के ट्रूथफुल रहना है तो ऐसा कुछ नहीं बोला टू अनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेट टू डिग्निटी ऑफ चिल्ड्रेन ऐसा भी कुछ नहीं बोला टू अनाउंस प्रैक्टिस जेरोटेड टू डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग तो ये भी नहीं बोला टू अनाउंस प्रैक्टिस जेरोगेट टू डिग्निटी ऑफ वुमेन यस ये बोला है तो अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी के जो हमने बेसिकली uh, आर्टिकल देखे थे अगर आप उसमें देखोगे तो आपको ये डी वाला पॉइंट जो आपको देखने को मिलेगा कि आपको अनाउंस करना सारे प्रैक्टिस जो डेरोगेटरी है टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा टेंथ का डी तो आई होप आपको ये सारे एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस क्लियर हो गए हों अब हम चलते हैं मेंस के क्वेश्चंस की तरफ सो so, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मेंस के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को तो तीन क्वेश्चंस आपको दिए गए थे और सब ने अच्छे से इसे अटैम्प्ट किया है कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको फर्दर इसमें ऐड करना होगा तो आपको कुछ लगे तो आप इस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं तो सबसे पहला हम देखते हैं क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉट मेड इन्फोर्सेबल ठीक है बाय अ रिट ऑफ कोर्ट यानी जिस तरीके से फंडामेंटल राइट्स में आप देखते हो कि अगर उसका कोई वॉल्यूशन होता है तो कोई भी पर्सन जो है इन्फोर्स करवाने के लिए कोर्ट जा सकता है और कोर्ट जो है उसको इन्फोर्स करने के लिए यानी उस पर्टिकुलर पर्सन जिसका वॉल्यूशन हुआ फंडामेंटल राइट का उस पर्सन के लिए वो एक रिट इशू कर सकता है उस अथॉरिटी को उस पर्सन को जिसने उसके फंडामेंटल राइट right को वायोलेशन किया है ठीक है बट हम देखें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के केस में इस तरह का इन्फोर्समेंट जो है कोई भी कोर्ट नहीं कर सकता एक रिट इशू करके ठीक है बट दे आर फंडामेंटल टू वेलबींग ऑफ अ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स ठीक है तो भले ही ये फंडामेंटल राइट्स की तरह इन्फोर्सेबल नहीं है बट हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं एक सोसाइटी और इंडिविजुअल की वेलबिंग well के लिए तो इसको आपको एग्जामिन एक, करना है तो स्टार्टिंग सबसे पहले आप ये करोगे कि आपका जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसको बेसिकली मेंशन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली तो ये प्रेजेंट नहीं था तो यानी इसको फोटी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है ठीक है और किस आर्टिकल में इसको रखा गया है तो आर्टिकल फिफ्टी ए में आप देखोगे हमारे सारे के सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो कि बैलेंस करना है फंडामेंटल राइट right को एक कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी होती है एज एवरी राइट गिव राइट टू अ करस्पॉन्डेंस ड्यूटी ठीक है यानी हर एक राइट right जो आपको फंडामेंटल राइट के थ्रू मिला है उसके लिए कुछ ना कुछ ड्यूटी जो है आपको असाइन की गई है ठीक है जैसे कि हम बोल सकते हैं कि आपको राइट right मिला हुआ है अंडर आर्टिकल फिफ्टीन कि किसी भी पर्सन के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं कर सकता स्टेट ठीक है किस ग्राउंड के ऊपर रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ ठीक है और साथ ही साथ इस बात का राइट जो है हर एक इंडिविजुअल को मिला हुआ है ठीक है बट हर एक इंडिविजुअल की ड्यूटी भी जो एक फंडामेंटल ड्यूटी असाइन कर रखी है आप देखेंगे जब आर्टिकल फिफ्टी ए को आप देखते हैं तो उसमें एक ड्यूटी मिली है हर एक सिटीजेंस को कि उन्हें प्रमोट करना है हारमनी एंड ब्रदरहुड फीलिंग अमंग द सिटीजन्स ठीक है चाहे कितनी भी रीजनल सेक्शनल डाइवर्सिटी क्यों ना हो हमें अपनी जो हारमनी है जो ब्रदरहुड की फीलिंग है वो सब में जो है अच्छे से प्रमोट करनी है और सबके साथ अच्छे से रहना है ठीक है तो यानी हम कह सकते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमें राइट तो दिया है बट साथ साथ एक ड्यूटी भी दी है ठीक है तो राइट से आपको एक फ्रीडम तो मिल गया कुछ भी करने का ठीक है कि आपको लिबर्टी मिल गई है आपको फ्रीडम ऑफ़ मूवमेंट मिल चुकी है आपको अपने रिलीजन को किस तरीके से प्रोफेस करना उसकी इसकी फ्रीडम मिल गई है बट साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको ड्यूटीज भी दी हैं कि आप अगर देश के नागरिक हो तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उस देश के लिए जो है आप कुछ ना कुछ ड्यूटी परफॉर्म करो नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि हमारा जो फंडामेंटल रिट right है उसमें बोला हुआ है कि आपको प्रोटेक्ट करना है मतलब आपको प्रोटेक्शन मिली है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की और आप अपनी लाइफ को डिग्निटी के साथ जी सकते हो यानी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कोई भी पर्सन आपकी डिग्निटी को खराब नहीं कर सकता उससे हार्म नहीं कर सकता कोई भी आपकी पर्सनल लिबर्टी को छीन नहीं सकता अनलेंस एन अनटिल कोई भी एक पर्टिकुलर लॉ ना मतलब अथॉरिटी के द्वारा कोई लॉ ना लाया हो उसको उसको बेसिकली छीनने के लिए ठीक है इसके अलावा इस पर्टिकुलर लॉ के अलावा कोई भी पर्सन person आपकी पर्सनल लाइफ एंड डिग्निटी को छीन नहीं सकता इस बात का राइट right जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर एक नागरिक को देता है बट साथ ही साथ एक नागरिक की ये भी ड्यूटी असाइन कर रखी है कि आप सबको जो है जो वुमेन की डिग्निटी है उसका ध्यान रखना है ठीक है तो आपने देखा होगा जब हमने फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ा तो उसमें लिखा होता था टू रिनाउंस ऑल दी एक्टिविटीज़ विच आर डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ वुमेन मतलब वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो कहीं ना कहीं वुमेन की डिग्निटी को हार्म पहुंचाती है उन सबको हमें खत्म करना है ठीक है तो मतलब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ उनका आप बीच में जो है एक इंटर रिलेशन हमेशा देखने को मिलता है ठीक है अगर आपको कुछ राइट्स दिए हैं तो उसके बदले में आपको कुछ ड्यूटीज़ भी दी हैं बट फर्क यही आ जाता है घूम फिर के कि हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो कही कहीं ना कहीं इन्फोसिबल है कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स को वॉयेशन होती है तो पर्टिकुलरली वो आर्टिकल थर्टी के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन रेमडी हासिल कर सकता है एंड डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाकर अपने लिए जो है बेसिकली जस्टिस ले सकता है ठीक है बट अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो वो एक इन्फोर्सबल नहीं है नॉन जस्टिशबल है यानी कि कहीं ना कहीं पर्सन को एक मॉरल ऑब्लिगेशन ही है सिर्फ ये कि उन्हें अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना है अगर कल को कोई भी अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म नहीं करता तो कोई भी गवर्नमेंट uh, कोई भी यू नो अथॉरिटी जो है पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट पे जाके कोई भी जुडिशरी के पास जाके जो है उस पर्टिकुलर पर्सन को जो है पनिश नहीं कर सकती बट क्योंकि हमने ये भी चीज़ कवर की थी कि भले फंडामेंटल ड्यूटी इन्फोसेबल ना हो बट हमारे जो पार्लियामेंट है उनके पास पावर है कि उस पर्टिकुलर फंडामेंटल ड्यूटी को इन्फोर्स करने के लिए यानी अगर मान लो आपको फंडामेंटल ड्यूटी दी गई है कि आपको इन्वॉर्मेंट को सेव करना है और वाइल्ड लाइफ को हमेशा रक्षा करनी है उनको हार्म नहीं पहुँचाना तो उस पर्टिकुलर फंडामेंटल ड्यूटी को आप भले वॉलेट कर दो तो आपको कुछ नहीं होगा बट अगर इससे रिलेटेड अगर लॉ कोई आ गया है जो पार्लियामेंट ने बना दिया है उस पर्टिकुलर लॉ के प्रोविजंस में अगर आपने कोई भी ऐसे प्रोविजन को वॉलेट किया है कहीं ना कहीं जो वाइल्ड लाइफ है उनको नुकसान पहुँचा है इलीगल ट्रेड किया है तो उस पर्टिकुलर लॉ के तहत आपको पनिशमेंट मिल सकती है अब हम क्वेश्चन की डिमांड में चलते हैं क्वेश्चन बेसिकली बता रहा है कि भले हमारी फंडामेंटल ड्यूटी इन्फोसिबल है नहीं फंडामेंटल uh, ड्यूटी भले हमारी इन्फोसिबल ना हो बट कहीं ना कहीं वो हमारे सोसाइटी और इंडिविजुअल के लिए वेलबिंग well है बिकॉज कहीं ना कहीं ये हमारी सोसाइटी और इंडिविजुअल को जो है एक अच्छा बेहतर बनाने में हमेशा योगदान देती है ठीक है जिस तरह से फंडामेंटल राइट right जो है इंसान को एक पॉलिटिकल राइट्स देते हैं उसी तरह से डी पी जो है सोशल इकोनॉमिक राइट्स देते हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज भी अगर लोग पूरी करने लग जाएँ तो उससे हमारे सोसाइटी और इंडिविजुअल दोनों का ही जो है बेनिफिट हो सकता है ठीक है अब हम हाँ पे एक चीज़ इंसान देखने की कोशिश करेंगे कि एक डिबेट हमेशा चलती है कि क्या हमारी जो फ़ंडामेंटल राइट फ़ंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसको इन्फोर्सबल होना चाहिए या नहीं चाहिए ठीक है यानी कि हमेशा इस बात में जो है डिबेट चलती है कि क्या हमारी फ़ंडामेंटल ड्यूटीज़ जो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखी हुई है उसको इन्फोर्सबल करवाना सही था या फिर नहीं सही था तो हम एक एक करके बेसिकली इसको समझने की कोशिश करेंगे जो आपके दूसरे क्वेश्चन हैं या फिर आपको एक तरह का व्यू पॉइंट देंगे कि क्या हो सकता है अगर हमारी फ़ंडामेंटल ड्यूटी इन्फोर्सबल होगी और क्या नहीं हो सकता जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी इन्फोर्सिबल नहीं थी ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या ऐसे रीजंस हैं जो बेसिकली बताते हैं कि अगर फंडामेंटल ड्यूटी इन्फोर्सिबल होती यानी जस्टिशेबल होती तो क्या क्या फ़ायदे देखने को हमें मिलते सबसे पहला है कि इट फिल्स द वैक्यूम मेकिंग देम ऑब्लीगेट्री यानी जो हमारे जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं ठीक है आप देख सकते हैं पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर बहुत सारे जो है लॉज बनाती हैं कोई भी पर्टिकुलर बेसिकली ड्यूटी को फुलफ़िल करने के लिए बट कहीं ना कहीं वो जो ड्यूटी बेसिकली बताई गई है वो जो लॉज बनाए गए हैं वो कभी भी जो है अच्छे से जो हम कह सकते हैं किसी भी पर्सन का डिसिप्लिन या बिहेवियर चेंज करने जो भी सिटीजन्स होते हैं उनके बिहेवियर और डिसिप्लिन को चेंज करने में उतनी जो है कारगर साबित नहीं होता ठीक है भले ही वो लॉस बन तो गया है बट अभी भी हम कह सकते हैं वो उतना एडिक्वेट नहीं है कि वो किसी भी सिटीज़न्स की डिसिप्लिन को या बिहेवियरल चेंज को लेके आ सके ठीक है तो कहीं ना कहीं ये जो गैप क्रिएट हो चुका है ठीक है भले ही कि उस पर्टिकुलर मतलब ड्यूटी को फुलफ़िल करने के लिए एक लॉ तो बना दिया गया है बट कहीं ना कहीं इस वैक्यूम को फुलफ़िल करना ज़रूरी है अगर हमारी फंडामेंटल ड्यूटी जो है इन्फोर्सबल होती तो उस टाइम पर हम कह सकते हैं कि अगर मान लो जो जो ड्यूटीज़ वहाँ पर मैंशन की गई है कि आपको इन्वायमेंट की बेसिकली प्रोटेक्शन करनी है वुमेन के बारे में आपको सोचना है साइंटिफिक टेम्पर बना के रखना है और ये सारी चीज़ें अगर मान लो कोई नहीं करता तो उससे डायरेक्टली जो है जुडिशरी जुडिशरी के पास जाकर जो है बेसिकली पनिशमेंट मिल सकती थी ठीक है तो एक तरीके से हम कह सकते हैं लोगों के अंदर डर होता कि उन्हें इस तरीके की चीज़ें करनी ही करनी है ठीक है तो इसलिए भी जरूरी था कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटी को इनफोर्सेबल करना एंड हम देखते हैं कि एम सी मेहता एक पर्सन थे उनका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था कि कंपलसरी लर्निंग ऑफ लेसन होना चाहिए ऑन प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ नेचुरल इवायरमेंट इन ऑल द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री यानी हमारी कंट्री में जितनी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पे जो भी करिकुलम है यानी जो भी सिलेबस हैं वहाँ पे एक सिलेबस ये भी लेसनस होने चाहिए जहाँ पर आप बच्चों को सिखा सको कि किस तरीके से आपको अपने इन्वायरमेंट का प्रोटेक्ट करना है उसको इंप्रूवमेंट बनाने के लिए काम करना है ठीक है कहीं ना कहीं ये जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है जो आर्टिकल फिफ्टी वन ए क्लॉज सी में जी में जो है बेसिकली लिखी हुई है जहाँ पे हर एक हर एक पर्सन को बताया गया कि किस तरीके से आपको अपने अनवायरमेंट की रक्षा करनी है ठीक है तो अगर मान लो ये जो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से पहल की है कि इस तरीके से चीज़ें अगर होंगी तो बच्चे आसानी से इस चीज़ को सीख पाएंगे कि कैसे उन्हें अपने एनवायरमेंट की रक्षा करनी है ठीक है बट कहीं ना कहीं बात फिर से वहीं घूम के आती है कि जो चीज़ें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में लिखी हुई है अगर हम उन्हीं को इन्फोर्स कर दें तो अलग से लॉज बुलाने की किसी को भी जरूरत नहीं होगी इसको इंप्लीमेंट करने के लिए तो ये हमने फर्स्ट रीज़न देखा कि क्यों हमारा जरूरी है फंडामेंटल ड्यूटी को इन्फोर्स करना ठीक है सेकंड रीज़न कह सकते हैं कि हमारा जो लेजिस्लेचर है जो भी पर्टिकुलर मान लो लॉ लेके आता है ठीक है अगर उस पर्टिकुलर लॉ से किसी की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो वो लॉ कितना फेयर है नहीं है उस उसको चेक करने के लिए जो है हमारी जुडिश्री जो है फंडामेंटल ड्यूटी को भी कंसिडर करती है अगर ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन्फोर्सेबल होती हैं ठीक है जैसे कि हमने देखा है कि जुडिशरी को कोई भी चीज़ चेक करनी हो कि वो कितनी फेयर है कितनी रीजनेबल है और कितनी वो जो है लोगों के राइट्स को छीन नहीं रही वो हमेशा पीएसपी हो गया या फिर आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया फिर फिर जो भी ऐसी चीज़ें जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है उसको हमेशा रेफर करती है ठीक है बट अगर हमारा फंडामेंटल ड्यूटी इन्फोसेबल होता तो कहीं ना कहीं वो उस पर उस फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी कंसिडर करती है उस पर्टिकुलर लॉ की रीजनेबिलिटी को चेक करने के लिए ठीक है नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो कि जो फंडामेंटल ड्यूटी अगर इन्फोसेबल होती तो कहीं ना कहीं वो गाइड करती है हमारे जो है लेजिस्लेटिव बॉडीज़ को यानी जैसे हमारा स्टेट गवर्नमेंट हो गया या फिर लोकल अथॉरिटीज़ हो गई या फिर आपका जो है सेंटर गवर्नमेंट हो गया ये लोग जब भी कोई भी लॉ लेके आते हैं तो ये हमेशा फंडामेंटल राइट्स ऑफ डी को ही हमेशा ध्यान में रखते हैं ठीक है बट मोली इनके पास ऑब्लिकेश्स है कि इन्हें फंडामेंटल ड्यूटीज़ का ध्यान रखना बट क्योंकि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी जो है इन्फॉर्सिबल नहीं है तो वो इसलिए जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ध्यान में रख के नहीं कर पाते कोई भी पर्टिकुलर लॉ नहीं लाते ठीक है बट ऐसा उन्हें करना चाहिए ठीक है क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो ड्यूटीज़ तो लिखी हुई हैं भले वो इन्फॉर्सिबल ना हो बट हमारी सोसाइटी को हमारे जो है वेल well, हमारे सिटीज़न् को वेलबिंग well बनाने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं ठीक है नेक्स्ट पॉइंट बेसिकली बोल रहे हैं कि अगर जिस तरीके से हमारा आप देखोगे कि जब भी कोई पर्टिकुलर लॉ बनाया जाता है तो हमेशा फंडामेंटल राइट्स को जो हमेशा सुप्रीम रखा जाता है मतलब ऑलरेडी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी है उन पर बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है बट हम हमेशा देखते हैं फंडामेंटल राइट्स को हमेशा जो है ज़्यादा बेसिकली इंपॉर्टेंस मिलती है एंड देन उसके बाद डी को बट कुछ केसेज होते हैं जहाँ पे जो है डी को जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है ओवर द फंडामेंटल राइट्स ठीक है तो इसलिए हमारी जुडिशियर जो है अप्रिशिएट करती है डी को क्योंकि वो प्रमोट करता है कॉमन गुड ठीक है तो इतनी इंपॉर्टेंस डी को इसलिए मिलती है बिकॉज़ कहीं ना कहीं जो है ये एक तरह का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कि स्टेट को फॉलो करने को बोला जाता है ताकि वो सोशल इकोनॉमिक राइट्स जो हैं लोगों को बेसिकली दे सकें ठीक है क्योंकि जो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वहाँ पे लिखे गए हैं अगर मान लो हमारी जो गवर्नमेंट है उससे पर्टिकुलर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लॉ बनाती है और लोगों के हित के लिए काम करती है तो उससे जो है हमारा कॉमन जो गुड है उसको प्रमोट करने में हेल्प करेगा और क्योंकि हमारा फंडामेंटल ड्यूटी इन्फोर्सिबल नहीं है बट अगर वो इन्फोर्सबल होता तो हमारी जुडिशी जो है या फिर हमारे जो लेजिस्चर जो है वो इसको भी यूज़ कर पाते जिस तरीके से वो डी को देखते हैं ओवर दी आ, मतलब इंपॉर्टेंस देते हैं इस ओवर दी फंडामेंटल राइट्स ठीक है बट फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आप देखोगे कभी भी इतना ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा कि उन्हें इंपॉर्टेंस दी जा रही है एज़ कम्पेयर टू फंडामेंटल राइट्स ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है कि बेसिकली अगर हमारी फंडामेंटल ड्यूटी इन्फोर्सिबल होती तो कहीं ना कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशंस को री करने में हेल्प करती जैसे कि हम देख सकते है, हमारे हैं हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है आर्टिकल फिफ्टी वन ए क्लास के जो बेसिकली बेसिकली इंट्रोड्यूस की गई थी टू टू में और उसी 2002 में हम कह सकते हैं हमारे फंडामेंटल राइट में एक आर्टिकल ऐड आट किया गया था आर्टिकल ट्वेंटी वन ए जो कि राइट टू तो एजुकेशन की बात करता था ठीक है तो यानी हम जब इस फंडामेंटल ड्यूटी और इस आर्टिकल को जो फंडामेंटल राइट का आर्टिकल ट्वेंटी वन है इनको साथ में देखें तो कहीं ना कहीं जो हमारा स्टेट और जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर जो अब्लिकेशन को रखा गया है कि आप दोनों को जो है एजुकेशन प्रोवाइड करनी है चिल्ड्रन को जिस तरीके से हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया गया है ठीक है तो हमारा जो आर्टिकल फिफ्टी ए है वहाँ पर बेसिकली पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो छः साल से लेकर चौदह साल तक के बच्चों को जो है कंपलसरी जो है मतलब मतलब उनके ऊपर बेसिकली हैं कि उन्हें भेजना ही भेजना है उनकी ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को जो है इसको एजुकेशन को लेने के लिए वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें और साथ ही साथ आर्टिकल ट्वेंटी वन ए जो कि फंडामेंटल राइट है वहाँ पर बोला गया है कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली क्या करेगी छः से चौदह साल के बच्चों के लिए जो है फ्री कंपल्सरी एजुकेशन जो है प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे ठीक है तो इस तरीके से जो हमारा फंडामेंटल राइट और डी पी एस पी है उनको हम अलग अलग करके नहीं चल सकते ये आपस में इंटर रिलेशन है इनके बीच में ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट uh, हम देखते हैं कि हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो इन्फोर्सिबल नहीं है नॉन इफोर्सिबल है तो उसके क्या क्या, -क्या फ़ायदे देखने को मिलते हैं ठीक है तो सबसे पहला ये बेनिफिट देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पौ, पौ, पार्टी है जो एक प्रॉपरगंडा बेसिकली फैला सकती है इस चीज़ का कि बेसिकली जिस तरीके से हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में बोला गया है कि हर एक सिटीजनस uh, को बेसिकली उनकी ड्यूटी है कि उन्हें अपने कल्चर को प्रमोट करना है लोगों के बीच में हारमोनी बना के रखनी है जितनी भी डाइवर्सिटी की बनाओ हमारे बीच में जो एक हारमोनी क्रिएट होनी चाहिए बदरहुड की फीलिंग आनी चाहिए ठीक है अगर मान लो कल को बेसिकली uh, ये आज इन्फोर्सेबल नहीं यानी कल को मान लो कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है इस तरीके से हारमोनी नहीं क्रिएट कर पाता अब कल्चर को प्रमोट नहीं कर पाता प्रोटेक्ट नहीं कर पाता तो कहीं ना कहीं फंड इस इस इन्फोर्समेंट की वजह से जो है आ, हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कहीं ना कहीं इनको मौका मिल जाता ठीक है कि जिस तरीके से ये चाहते हैं कि कल्चर को प्रमोट करना बट ऐसा हो नहीं रहा है तो वो अरेस्ट कर सकते थे किसी भी पर्सन को ठीक है और पॉलिटिकल पार्टी जब भी हम देखते हैं किस तरीके से इलेक्शन में खड़ी होती है इन सारे मुद्दों पर जो है सबसे ज़्यादा ध्यान देखती है लोगों की कल्चर उनकी जो रिलीजन है इन सब पे जो है इन बेसिस पे वोट गैदर करना इनको अच्छा लगता है ठीक है तो अगर जो भी पर्सन अपनी ड्यूटी फॉलो नहीं करता तो उनके पास एक मौका आ जाता है कि इस पर्सन को जो है बेसिकली अरेस्ट करना चाहिए पनिशमेंट देनी चाहिए ठीक है तो कह सकते हैं जिस जो चीजें जरूरी भी नहीं है उस चीजों के लिए भी उनको जो है बेसिकली लोगों को तंग करने का एक मौका मिल जाता बट इसलिए हम कह सकते हैं कि चलो ठीक है हमारी फंडामेंटल ड्यूटी जो नॉन ही है कि कहीं ना कहीं इनके लोगों के ऊपर बेसिकली तरीके से फोर्स नहीं कर सकते ना कि आपको ड्यूटी को फॉलो करना ही करना है बिकॉज कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि जो ड्यूटीज़ होती हैं आपके एक तरह का मॉल ऑब्लगेशन हैं आपके अंदर वो फीलिंग होनी चाहिए उन ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करने के रादर दैन की कोई भी अथॉरिटी कोई भी पर्सन आप आपने दबाव डाले कि आपको ये काम करना ही करना अदरवाइज आपको कोई पनिशमेंट हो सकती है नेक्स्ट बोला गया है कि कोई भी ज़रूरत नहीं है कि हम अभी आज के टाइम पे अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को इन्फोर्सेबल बनाने की बिकॉज ऑलरेडी जो है कुछ ऐसे ड्यूटीज़ हैं जिससे पर्टिकुलरली फुलफ़िल करने के लिए ऑलरेडी हमारे लेजिस्लेचर ने जो है लेजिस्लेटिव एक्शंस के थ्रू जो है उनको बेसिकली uh, बेसिकली uh, उस प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी है ठीक है जैसे कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में बोला गया है कि आपको अपने फॉरेस्ट का ध्यान रखना है वाइल्ड लाइफ्स की बेसिकली आपको रक्षा करनी है ठीक है तो ये चीज़ हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में रखा हुआ है बट क्योंकि अभी हमारे लेजिस्लेचर ने एक पर्टिकुलर लॉ ला दिया गया है कि आपको यू नो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन लॉ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉ है तो इन सारी इन्वयमेंट प्रोटेक्शन लॉ है तो ऑलरेडी ये जब लॉज ला दिए हैं तो इन लॉज के थ्रू जो ऑलरेडी लोगों को पनिशमेंट मिल सकती है तो आपको क्या जरूरत है फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्बल बनाने की ठीक है तो अगर आप इस तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी इन्फोर्स बना दोगे तो आपका डबल डबल चीजें हो जाएंगी ठीक है या तो आप लॉ लेकर ही इसको इनफोर्स कर लो या तो फंडामेंटल ड्यूटी को इन्फोर्सबल बना लो पर ऑलरेडी आपने इतने सारे लॉज ला रखे हैं और वो अच्छे से काम भी कर रहे हैं तो क्या जरूरत है उसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मतलब बेसिकली उसको इन्फोर्सेबल करवाने की तो फिर डबल डबल चीजें हो जाएंगी नेक्स्ट है कि अगर हमारी फंडामेंटल ड्यूटी अगर इन्फोर्सिबल होती तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती थी पहला क्योंकि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बहुत सी बातें जो है ओपन एंडेड की तरह लिखी हुई हैं जैसे हमारा ये लिखना कि आपको वैल्यू करनी है प्रिजर्व करना रिच हेरिटेज ऑफ अर कंपोजिट कल्चर ठीक है तो कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ लिख तो दिया है बट इसका स्कोप जो है आपने एकदम ओपन एंडेड छोड़ दिया मतलब आपने एक लिमिट तय नहीं किया कि किस तरीके से आपको प्रिजर्व करना है यू नो 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 अपने हेरिटेज को क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं कर सकते किस तरीके से आपको कंपोजिट कल्चर को बनाए रखना है उसे प्रमोट करना है तो ये चीज़ें आपने ओपन एंडेड ही छोड़ दी अब क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होंगी नहीं होंगी ये सब बेसिकली कुछ नहीं पता है किसी को तो अगर मान लो इसके अंदर मतलब इस पर्टिकुलर ड्यूटी के अंदर अगर मान लो इसको इन्फोस बना देते तो किसी पर्सन को बेसिकली आप अरेस्ट किया जा सकता कि वाप बेसिकली आपने अपने हेरीटेज को प्रिजर्व नहीं किया है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं एक कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है इस केस में कि बेसिकली जो सिटीजन् इसको इंटरप्रेट कैसे करें कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मान लो प्रिजर्व करने में हेल्प करती है हेरिटेज को ठीक है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सही है जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है वो नॉन इन्फोर्सेबल उससे रखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि हमारे जो काउस है ठीक है उनकी लिंचिंग करने के केस में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको यू नो मतलब मतलब जो काओ विजिलेंट्स हैं उनको बेसिकली कहीं ना कहीं लिंचिंग के तौर पे जो है उन पे मार दिया जाता है कि उन्होंने काओ को इस तरीके से नुकसान पहुंचाया उस तरीके से नुकसान पहुंचाया तो कहीं ना कहीं ये कही जो डेफिनेशन है अपने आप में इतनी ओपन हैंडेड है कि कोई इसको इंटरप्रेट ही नहीं कर पाता और अगर ये चीज़ अगर लीगली उसको इन्फोर्समेंट मिल जाता तो जुडिश्री के लिए भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है इस चीज़ को इंटरप्रेट करना कि क्या क्या चीज़ें इसकी ड्यूटीज़ के अंदर है क्या क्या नहीं है ठीक है तो फिलहाल के लिए जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नॉन इन्फोसिबल है तो वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अभी की नेसेसिटी के हिसाब से वो ज़रूरी भी हैं बिकॉज कुछ चीज़ें जो उसमें लिखी हुई हैं वो इतनी ज़्यादा एम्बिगुस हैं कि अभी उसको समझ पाना जो है लोगों के लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है तो इसलिए अगर उन्हें जितना बन पड़ता है उनको कि उन्हें अपनी ड्यूटीज़ को कैसे फॉलो करना है कितना फॉलो करना है वो अपने हिसाब से उसको फॉलो करते रहेंगे बट अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो उसके लिए पर्टिकुलरली पार्लियामेंट के पास ऑलरेडी लॉ है कि उसको इन्फोर्स करने के लिए वो लॉ ला सकती है बट पूरे के पूरे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन्फोर्सेबल करने के लिए उसको मतलब लीगल पावर दे देना उसको बेसिकली जस्टिस शेवर बना देना तो ये बेसिकली अभी के लिए सही नहीं लगता है ठीक है और साथ ही साथ आप लास्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं कि आप किसी भी पर्सन को क्योंकि महात्मा मा, गांधी जी का मानना यही था कि कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जिसे आप फोर्सफुली करने के लिए आप किसी को प्रेशराइज़ नहीं कर सकते है, ठीक है वो एक मॉरल प्रसवेशन होता है आपके अंदर वो फीलिंग होनी चाहिए कि आपको सोसाइटी में जो राइट्स मिले गए हैं उसके साथ साथ आपको अपनी ड्यूटीज़ को भी फुलफिल करना है ठीक है तो अगर आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है इन्फोर्सबल बना दोगे तो कहीं ना कहीं एक तरह का फोर्सफुल जो है लोगों को ये लगेगा कि फोर्स किया जा रहा है उन्हें ये काम करने के लिए ठीक है तो इस तरीके से आप अपना इस आंसर को आप कंक्लूड कर सकते हो आ, बहुत से लोगों ने इसका डिफरेंट डिफरेंट जो है अपना 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 ओपिनियन रखा है तो क्योंकि एक ये जो स्टेटमेंट है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा यू नो Uh, काफ़ी इंस्टांसिस को क्रिएट करती है ठीक है तो आपके जो भी आंसर्स uh, थे आप उसको हमने अच्छे से पढ़ा है एंड uh, जो भी रिमार्क्स देने थे हमने उसको उससे रिलेटेड आपको रिमार्क्स भी दिए हैं तो अगर आपको फिर भी कोई अच्छा पॉइंट लगता है कि आपको स्मैट करना चाहिए और हमें पता होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट्स विदाउट ड्यूटी विल लीड टू एन एनालाइज द स्टेटमेंट इन कंटेक्सट ऑफ द रिलेवेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन प्रेजेंट टाइम्स ठीक है तो जैसे कि हम जानते हैं कि जिस तरीके से पहले जब मुनाल हुआ करती थी ठीक है तो उस समय एक तरफ आपका किंग होता था और दूसरी तरफ आपकी बेसिकली जनता होती थी ठीक है पीपल्स होते थे तो कहीं ना कहीं उस समय हम देख सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं बेसिकली हम कह सकते हैं उस समय लोगों को मिली हुई थी ठीक है लोगों को लोगों के पास जो एक चीज़ था वो ड्यूटीज़ था कोई राइट्स उन्हें नहीं दिया गया था बट उन्हें ड्यूटीज़ करने को बोला हो गया था कि आपको जो है इतना पैसा हमेशा राजा को देना है ये काम आपको करना है इस तरीके से आपको किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाना या फिर राजा जब भी बोलेगा आपको ऐसे ऐसे काम करना है तो कहीं ना कहीं उन सबको ड्यूटीज़ बोली जाती थी कि आपको ये सब काम ही करने हैं ठीक है ठीके? बट उनके पास कोई राइट नहीं था और सिमिलरली किंग की बात करें तो किंग के पास सारे के सारे राइट्स हुआ करते थे कि वो किसी को भी जो है पनिश कर सकता है किसी को भी कुछ भी करने को कह सकता है बट कोई भी ड्यूटी एज अ ड्यूटी उसके पास नहीं थी तो इस तरह का मिस बैलेंस कह सकते हैं कि उस टाइम पे जो है किंग के पास सारे के सारे राइट्स हैं और जो जनता है उनके पास राइट्स ना हो के सारे के सारे ड्यूटीज़ हैं ठीक है तो एक होना एक ना होना कहीं ना कहीं एनआर ना, कही की कोई शो करता है अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें डेमोक्रेसी बनी रहे तो राइट्स और ड्यूटी का इक्वली होना जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्रिएट करता है क्योंकि हमने अभी जैसे डिस्कस किया कि हमारी जो सोसाइटी है हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी वेलबिंग के लिए हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ठीक है अब हम स्टेटमेंट को एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हो उसको इस तरीके से कि जो इंडिया है वो कुछ ऐसी कंट्रीज में से है वर्ल्ड की जहाँ पे जो डेमोक्रेसी जो है वो हम आपकी मतलब कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो हमारे एनशियट टाइम्स ही जो है इंडिया में रहा है ठीक है तो ये कहना है कि जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था तब एक इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री बना नो अगर हम देखें एनशियट टाइम से तो तब हमारे बेसिकली कुछ ऐसे राज्य थे जिसे हम कह सकते हैं कि वो डेमोक्रेसी को फॉलो करते थे ठीक है और उस पर्टिकुलर राज्य में जो है हम कह सकते हैं कि कुछ इंडिविजुअल्स को जो है कर्तव्य दिए गए थे कर्तव्य इज़ लाइक ड्यूटीज उन्हें असाइन की गई थी कि उनको बेसिकली जो है ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी अपनी सोसाइटी के लिए अपनी कंट्री के लिए अपने, अपने पेरेंट्स के लिए तो हम कह सकते हैं जो ड्यूटीज़ आज हमें मिली है कॉन्स्टिट्यूशन में वो कोई नया नहीं है हमारे एंशंट टाइम में इस सब चीज़ें चली आ रही थी उस समय भी लोग जो है अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म किया करते थे और क्योंकि इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है और रिपब्लिक जो है इंडिया को वो बेसिकली एंशियन टाइम से ही बेसिकली कहा जाता है